अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर शेख मुजाहिद राना है। मैं कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। डॉक्टर राना फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस सेंटर, बाजार घाट, विजयनगर कॉलोनी रोड, मुस्तफ़ा मस्जिद के बाजू में है। आपको गूगल पे भी आपको मेरा लिंक, मेरा क्लिनिक के नाम से आप आ जा सक आपको रूट मिल जाएगा। तो ये हॉस्पिटल आपका फर्स्ट टाइम अभी फर्स्ट है हैदराबाद में? और अभी हैदराबाद में तो हम लोग का पहला ब्रांच है। अभी मेरा फर्दर प्लान चल रहा है, अभी कहते हैं तो अभी एक ही है। फिजियोथेरेपी के बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, तो आपके पास स्पेशलिस्ट क्या है? देखिए साहब, मेरे पास एडवांस ट्रीटमेंट है और मैं जो है पहले असेस करता हूँ, फिर ट्रीटमेंट करता हूँ, और मैं MRI, एक्सरे वगैरह किसी पे भी बाद में रिले करता हूँ। पहले खुद के असेसमेंट करके ट्रीटमेंट दे के फिर बाद में अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो जब पेशेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजता हूँ। और ये छोड़ के मेरे पास पूरी एडवांस ट्रीटमेंट मिलेगी आपको। जो भी आज फिजियोथेरेपी लाइन में है उससे एडवांस ट्रीटमेंट्स आपके पास मिलेंगे। लेज़र होगा, या तो ड्राई नीडलिंग होगी, या तो कपिंग होगी, या फिर आपको जो है मायोफेशियल रिलीज होगी, MFR होगा। जैसा कि आपके हाथ पे कई सारे ट्रीटमेंट हुए होंगे, उसमें कई जनों को फ़ायदा हुआ, कई जनों को नुकसान हुआ, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, नुकसान तो पहले क्या होता था, सर्जरी जो थी रोबोटिक सर्जरी नहीं थी, आज रोबोटिक सर्जरी है जिसमें देखो हम लोग मोस्टली हम फिजियोथेरेपी TKR THR रिहेबिलिटेशन करते हैं। तो पहले क्या होता था, सर्जरी में डिफेक्ट होता था या हमसे भी थोड़ा डिफेक्ट होता था, जिसके वजह से पेशेंट को बाद में रेंज ऑफ मूवमेंट में इम्प्रूवमेंट बराबर से नहीं हो पाता था। आज इतना एडवांस ट्रीटमेंट हो चुका है कि आज बहुत कम चांसेस है कि जो थेरेपिस्ट से कुछ मिस्टेक हो सके। ये हॉस्पिटल के अलावा आप पहले कहाँ ट्रीटमेंट देते थे, कौन से हॉस्पिटल में कुछ जॉब वगैरह? देखिए, मेरा बैचलर्स जो है डॉक्टर NTR यूनिवर्सिटी से हुआ है, KIMS हॉस्पिटल से मेरा इंटर्नशिप हुआ है, और मैं KIMS हॉस्पिटल में डॉक्टर अजय कुमार मिड्डे के पास असिस्टेंट फिजियो था, उनसे ही मैं पूरा काम सीखा हूँ, जो कि न्यूरो के बहुत मशहूर, अपने हैदराबाद के मशहूर थेरेपिस्ट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं जो है निज़ामाबाद में होप हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट था, वहाँ 2 साल था मैं। फिर उसके बाद बेंगलुरु हॉकी एकेडमी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट था, और मैं कृपानिधि हेल्थ केयर सेंटर में भी मैंने फिजियोथेरेपी एज ए फिजियोथेरेपिस्ट काम किया हूँ। एक्चुअली देखा गया तो फिजियोथेरेपी लोगों को बहुत कम मालूम है, एक्चुअली क्या है मीनिंग इसका थोड़ा सा बताइए। देखिए, फिजियोथेरेपी इज नथिंग बट इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस हु डील विथ ह्यूमन मूवमेंट्स। देखिए, अभी एक डॉक्टर है, ऑर्थो डॉक्टर है, वो क्या है हड्डी के बारे में देखता है। न्यूरो डॉक्टर है, वो क्या करता है रगों के बारे में देखता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बायोमैकेनिक्स पे काम करते हैं। अभी मेरा जॉइंट है, ये जॉइंट है, अगर मैं बराबर से नहीं चलूंगा ना, ये जॉइंट का इसका लाइन अलाइनमेंट जो है बिगड़ जाएगा। इसका ना कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट कर सकेगा, आपको कोई कर सकेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका अलाइनमेंट ख़राब हो चुका है, इसके बायोमैकेनिक्स पे हम लोग काम करते हैं। हम लोग गोली दवा पे बिलीव नहीं करते, उसका जो बायोमैकेनिक्स है उस पर काम करते हैं हम लोग। जैसे कि लोग जो है जैसा एक्सीडेंट वगैरह में जो रॉड्स वगैरह डालते हैं, पट्टी वगैरह, तो अब इंसिडेंट कोई पैर फिसल के स्लिप हो गया या उसकी हड्डी सड़ गई, तो ये भी फिजियोथेरेपी में? हाँ सर, जो कुछ भी रिहैबिलिटेशन हो, या हड्डी टूट गई हो, या तो सर्जरी हुई हो, उसको कम बैक करने के लिए कंपलसरी फिजियोथेरेपी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं कि फिजियोथेरेपी नहीं कराया फिर भी मेरा हाथ आ गया। जो सो क्या होता है, हाथ तो आ जाएगा लेकिन प्रॉपर नहीं आएगा। अब जैसे मेरा नॉर्मली एग्जाम्पल, मेरा शोल्डर जो 90 डिग्री से उठ रहा है, सर्जरी अगर मैं फिजियोथेरेपी नहीं कराऊँगा ना, उठेगा हाथ लेकिन 70 डिग्री उठेगा, पूरा नहीं उठेगा। ये फिजियोथेरेपी कराने में नहीं कराने में फ़र्क बता रहा हूँ मैं आपको। अभी आपका ब्रांच कहाँ पे है और कौन? सर, मेरा ब्रांच बाजार घाट मस्जिद मुस्तफ़ा के बाजू है, और आज के चीफ गेस्ट जो है जाफर हुसैन साहब थे, जो कि नामपल्ली MLA है। अगर कोई पेशेंट आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा, या कोई अगर सीनियर सिटीजन है जो घर पर उनके लिए विजिट आप करेंगे, तो कैसा कोई कॉन्टैक्ट नंबर होगा? देखिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपको गूगल पे मिल जाएगा, गूगल पे मेरी वेबसाइट भी है। गूगल पे आप राना फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस सेंटर पे सर्च कर सकते हो, मेरा नंबर आ जाएगा। मैं जो है आप एक मेरे को मेरा ही फ़ोन नंबर है, मैं कांटेक्ट कर लूँगा। जो मेरा कांटेक्ट नंबर है 8686046524, और एक 8686046524। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दिए तो मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा, कांटेक्ट कर लूँगा। आपको होम सर्विस कम से कम में और अच्छे से अच्छे अवेलेबल होगी। जैसे
हाँ जी, देखिए अभी बहुत सारे, जैसा कि आपको पार्किंसन पेशेंट है, जो कि बीमारी है जो 50 साल के बाद बूढ़े लोगों को आती है, उनको ना चलने आता है, झुकने आता है, उनकी पूरी बॉडी रिजिड हो जाती है, तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, लाइक हफ्ते में 3 दिन वो तो आ नहीं सकते, लेकिन हम लोग उनको जाके एक्सरसाइज करवाते हैं, उनको कम बैक करते हैं, तो हम होम सर्विस देते हैं ऐसा। आपकी टाइमिंग क्या रहेगी? देखिए मेरी टाइमिंग तो सुबह 10 बजे से शाम में 10 बजे तक रहेगी, और सैटरडे के दिन हाफ डे रहेगा, संडे के दिन हॉलीडे रहेगा, लेकिन इन केस अगर कोई है, कोई इमरजेंसी है या किसी को मसल कैच हो गई, बहुत सीवियर बैक पेन है, अगर कॉल कर लेंगे तो हम अवेलेबल हो जाएंगे। पब्लिक और आवाम के लिए क्या एक मैसेज है?